नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रांची के मांडर प्रखंड के एक गांव में दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मांडर प्रखंड के कईसकानी गांव का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कईसकानी निवासी मनीष सिंह और राजपुर सिंह दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि मनीष सिंह ने राजकुमार सिंह के ऊपर गोली चला दी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मनीष सिंह के पास बंदूक आई कहाँ से और कौन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।